वेलकम टू स्वाद किरसा। मैं पूनम और आज मैं लेकर आई बहुत ही आसान सी यूनिक कटलेट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट है। तो चलिए आसान सी झटपट और यूनिक सी कटलेट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक कप पानी, गैस ऑन कर देंगे और पानी जब उबलने लगे फिर इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा का, एक छोटा चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल और एक चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, अपने स्वाद अनुसार डालें, तीखा जैसा खाती हूँ। ये मकई के दाने हैं चार चम्मच, अगर आपको मकई मिलती है तो ज़रूर डालें। और चार चम्मच हमने लिया है मटर, गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला, नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें और सबको हम अच्छे से उबाल लेंगे। गैस को तेज कर दें और एक उबाल आने दें। सब्जियां आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप गाजर और बीन्स भी डाल सकते हैं। और अभी हम जिस कप से हमने डाला था पानी उसी कप से हम लेंगे चावल का आटा, तो थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालते जाएँ और सबको मिलाते रहें। गैस को स्लो कर दें और सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद गैस बंद कर देंगे हम और इसे ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारा चावल का आटा और सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये देखिए एक बर्तन में हमें निकाल दिया और इसमें अभी हम मिलाएंगे चार मीडियम साइज़ के आलू। पके हुए आलू को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें और ये देखिए हमने डो बना लिया है। तो हाथों से इस तरीके से हम प्रेस करते हुए बड़ा कर लेंगे, आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं और अपने पसंद के शेप से कटलेट काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज सैंडविच के कट में काटूंगी, तो इस तरीके से आप काट लें तो अपने पसंद का शेप दे सकते हैं और हाफ इंच का मोटा ही रखें। ये देखिए इस तरीके से इतना थिक होना चाहिए कटलेट, तभी बहुत कुरकुरा बनेगा। तो तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है और अभी हम दोनों तरफ से इसे अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें, तेल एक बार अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे रख करके आप कटलेट को दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लें। बहुत ही लाजवाब सी और टेस्टी कटलेट की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कम से कम इंग्रेडिएंट से आप इस तरीके से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। आप ब्रेड खाना नहीं पसंद करते तो आप इस तरीके से चावल के आटे से कटलेट बनाएं, खाएं और खिलाएं। मकई या मटर अगर आपको आसानी से मिलता हो तो ही आप कटलेट में ऐड करें, या इसके अलावा भी आप अपने पसंद से सब्जियां मिला करके कटलेट बना सकते हैं। आप बीन्स, गाजर या कैबेज को छोटे छोटे पीस में काट लें, मिलाएं और कटलेट बनाएं। सुपर क्रिस्पी कटलेट को आप सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।